गाइस, वेलकम बैक टू द ग्रामर गेम। फ्रेंड्स, एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकती हूँ। आप इस सेंटेंस को बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके। कैसे करेंगे? आई कैन टीच यू इंग्लिश। लेकिन अगर इसी सेंटेंस की जगह पर मैं आपको यह सेंटेंस बोलूं, अरे किसने कहा मैं आपको अंग्रेजी नहीं सिखा सकती? मैं आपको अंग्रेजी सिखा तो सकती हूं, मैं आपको अंग्रेजी सिखा तो सकती हूं। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? किसने कहा वह गाड़ी नहीं चला सकती है? वह गाड़ी चला तो सकती है। किसने कहा वह अकेली नहीं जा सकती है? वह अकेली जा तो सकती है। फ्रेंड्स, बहुत इजी सी टेक्निक है ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, और वह टेक्निक ये है, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईदर। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईदर। मैं आपको अंग्रेजी सिखा तो सकती हूं, आई कैन टीच यू इंग्लिश ईदर। वह गाड़ी चला तो सकती है, शी कैन ड्राइव द कार ईदर। वह अकेली जा तो सकती है, शी कैन गो अलोन ईदर। और फ्रेंड्स, इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हमने पास्ट टेंस में बनाना हो तब कैसे बनाएंगे? जैसे, बेटा आप कहीं और क्यों गए सीख लें, मैं आपको अंग्रेजी सिखा तो सकती थी, वह गाड़ी चला तो सकती थी, फिर उसने कैब क्यों की, वह अकेले जा तो सकते थे, फिर आप क्यों गए उनके साथ। तब आप यूज करेंगे कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईदर। एग्जाम्पल, मैं आपको अंग्रेजी सिखा तो सकती थी, आई कुड टीच यू इंग्लिश ईदर। वह गाड़ी चला तो सकती थी, शी कुड ड्राइव द कार ईदर। वे अकेले जा तो सकते थे, दे कुड गो अलोन ईदर। फ्रेंड्स, अब बारी है आपकी प्रैक्टिस सेंटेंसेस की। प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं आपके, बच्चे अखबार पढ़ तो सकते हैं फिर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? बच्चे अखबार पढ़ तो सकते थे फिर क्यों नहीं पढ़ी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।